सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मन को और बेल एंकर को जरूर दबाएं न्यू न्यू अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस कैसे हो, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप यूज़ करते हो सैमसंग गलेक्सी J6 इन्फिनिट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन या सैमसंग गलेक्सी J5 2016 मॉडल, तो यहाँ दोनों को एक नया 40 अपडेट देखने को मिला आज के दिन, और अपडेट में काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। सो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे गाइस अपडेट की पिक देख सकते हो, अपडेट की हम फाइल की बात करें तो यहाँ पे 2 MB की अपडेट है। सो काफ़ी छोटी अपडेट देखने को मिली आज के दिन। यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी J6 में एक दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत थी वो गाइस मुझे आज कमेंट में भी आया था एक बंदे का, कि उसमें मुझे बताया कि भाई मेरे अपडेट करने के बाद मुझे क्या हो रहा है, मुझे एड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और गाइस इस अपडेट में सैमसंग ने वॉइस सॉल्व किया, आपके नेटवर्क इशू को सॉल्व किया, जहाँ पे आपको एड्स आ रही थी या कोई भी नेटवर्क की दिक्कत थी। सो ये अपडेट करने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आप यूज़ करते हो सैमसंग गलेक्सी J6 इन्फिनिट, सो जाके अपडेट कर सकते हो। गाइस हमारा अगला अपडेट है सैमसंग गलेक्सी A5 2016 मॉडल के नया 40 अपडेट देखने को मिला आज के दिन, और अपडेट की फाइल की बात करें तो 70 MB का है। सो यहाँ पे भी काफ़ी छोटा अपडेट है, और यहाँ पे क्लियर ही सैमसंग ने मेंशन किया कि आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है इसमें सितंबर का, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और यहाँ पे J6 को भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच को इंक्लूड हो चुका है, वहाँ पर भी आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप दोनों में से कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो जाके अपडेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना। सो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो या ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहता हूँ। सो मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्द अगली वीडियो में।